बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इसरार अहमद अंजुम एंड यू आर वाचिंग माय लीगल चैनल द लीगल एक्सपर्ट। सीपीसी हम पढ़ रहे हैं। सीपीसी में अपील, रिव्यू, रिवीजन, इन तीनों को अलग अलग हम पढ़ चुके हैं और तीनों के वीडियोस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इन तीनों का आज हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये तीनों सीपीसी के किस किस सेक्शन में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपील की। अपील जो है आपकी, ये सेक्शन 96 में ऑफ सीपीसी में फर्स्ट अपील दी गई है और सेक्शन 100 में सेकंड अपील का प्रोसीजर दिया गया है। उसके बाद रिवीजन जो है, ये सेक्शन 115 इसको डील करता है सीपीसी का, और रिव्यू को सेक्शन 114 डील करता है। बात करें अगर हम इनके फोरम की कि कहाँ कहाँ अपील आप दर्ज करवा सकते हैं, कहाँ कहाँ किस कोर्ट में आप जो है वो रिवीजन कर सकते हैं और किस कोर्ट में आप रिव्यू कर सकते हैं, तो वो कहलाता है इसका फोरम। सबसे पहले बात करते हैं अपील की। अपील हमेशा हायर कोर्ट में होगी, यानी कि अगर तहसील लेवल की कोर्ट है, वहाँ से आप ऊपर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे आप जाएंगे हाई कोर्ट में, तो हमेशा हायर कोर्ट जो है वो अपील को डील करेगी, यानी कि जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है उस कोर्ट से हायर कोर्ट पे जाके आप अपील को लेके जाएंगे। सेम इज़ द केस विद रिवीजन। रिवीजन भी हमेशा हायर कोर्ट में होती है, बट नॉट इन द केस ऑफ रिव्यू। रिव्यू जो है वो उसी कोर्ट में होता है जिस कोर्ट ने वो डिग्री पास की होती है। इसको नज़रसानी भी कहते हैं, रिव्यू को। तो नज़रसानी के लफ्ज़ी मतलब से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि दूसरी नज़र भी वही डालता है जिसने पहली नज़र डाली हो। तो जो रिव्यू है वो सेम कोर्ट में होगा, अपील और रिवीजन जो हैं ये हायर कोर्ट में होंगे। आगे चलते हैं कि कौन कौन सी डिक्रीज़ और कौन कौन से आर्डर्स के ख़िलाफ़ अपील, रिवीजन और रिव्यू लाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपील की। तो जो भी डिक्री और आर्डर अपीलेबल होंगे उनके ख़िलाफ़ आप अपील कर सकते हैं। अब ये जो मैंने लिखा कि अपीलेबल होंगे, इसका मतलब ये है कि कहीं पे ऐसा भी होता है कि कुछ आर्डर्स जो होते हैं वो नॉन अपीलेबल होते हैं और कुछ डिक्रीज़ जो होती हैं वो भी नॉन अपीलेबल होती हैं, जिस तरह के कंसेंट डिक्री हो गई जो कि सेक्शन 96 में बताया गया है। अब जो अपीलेबल नहीं होंगे, जो नॉन अपीलेबल होंगे, उनके ख़िलाफ़ रिवीजन अप्लाई हो सकती है। डिक्री और आर्डर जो के नॉन अपीलेबल हैं उनके ख़िलाफ़ रिवीजन फाइल हो सकती है। अपीलेबल आर्डर और डिक्री के ख़िलाफ़ रिवीजन फाइल नहीं हो सकती। अगर आप बात करें रिव्यू की, तो रिव्यू में अपीलेबल भी और नॉन अपीलेबल भी दोनों डिक्री या आर्डर उनको सुना जा सकता है, उनको पेश किया जा सकता है। यहाँ पे जो रिवीजन है इसमें डिक्री आर्डर और इंटरलोकेटरी आर्डर भी शामिल हैं जो कि नॉन अपीलेबल होंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके ग्राउंड्स की। इनके ग्राउंड्स भी डिफरेंट होते हैं। अपील की अगर आप बात करें तो अपील जो फर्स्ट अपील है जो सेक्शन 96 के अंडर आती है, उसमें ग्राउंड्स को इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। उसमें आप कोई भी ग्राउंड लेके आगे चैलेंज कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ सेकंड अपील आपको
स्पेशली इशू ऑफ लॉ को जो ग्राउंड बना के बताना पड़ेगा कि यहाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। थोड़ा सा उसमें से रिस्ट्रिक्ट किया गया, बट उसी में उसमें भी वाइडर सेंस में उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। तो ओवरऑल अगर आप अपील को देखें तो अपील के जो ग्राउंड्स हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड हैं। सेकंड अपील में कुछ रिस्ट्रिक्टेड ग्राउंड्स हैं, बट वो भी अगर आप साबित कर लें कि ये जो ग्राउंड्स हैं ये मेरे उस पर असरअंदाज हो रहे हैं फैसले पे, तो वो भी चल जाएंगे अपील में। तो ओवरऑल जो अपील के ग्राउंड्स हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड हैं। बात करें अगर आप रिवीजन की, तो रिवीजन में जो ग्राउंड्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। रिवीजन में आप ज्यूरिसडिक्शन के अगेंस्ट जाते हैं कि आप उस सूरत में रिवीजन फाइल कर सकते हैं कि अगर आप समझते हैं कि कोर्ट ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बढ़ के कोई फैसला कर दिया, या कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में एक काम आता है और वो कोर्ट नहीं कर रही, या कोर्ट ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को इलीगली डिटरमाइन किया और उसको इलीगली अज्यूम करके कोई इलीगल डिसीजन दे दिया, तो ये जो तीन ग्राउंड्स हैं ये रिवीजन में रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं कि इन तीन ग्राउंड्स के अलावा रिवीजन फाइल नहीं हो सकती। अपील में ऐसे ग्राउंड्स मेंशन नहीं हैं, अपील में अनरिस्ट्रिक्टेड हैं, बट रिवीजन में रिस्ट्रिक्टेड ग्राउंड्स हैं। इस सेम रिव्यू में भी ग्राउंड्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। रिव्यू में ये होता है कि कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई, कोई मतलब इस तरह की अरिथमेटिकल मिस्टेक हो गई जज से, तो ऐसी सूरत में आप उसी कोर्ट में रिव्यू फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ भी ग्राउंड्स क्या हो गए, रिस्ट्रिक्टेड हो गए। अब बात करते हैं कि हु मे फाइल, यानी कि अपील, रिवीजन और रिव्यू कौन फाइल कर सकता है। बात करें अगर आप अपील की, तो अपील में एग्रीव्ड पर्सन जो होता है सिर्फ वही अपील फाइल कर सकता है। यहाँ पे मैंने एग्रीव्ड पर्सन लिखा, मैंने पार्टी टू द सूट नहीं लिखा। पार्टी टू द सूट अगर हो जाएगी तो वो रिस्ट्रिक्ट बात हो जाएगी कि वही दो बंदे जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हैं वही अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिखेंगे एग्रीव्ड पर्सन, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उस डिक्री से, उस आर्डर से एग्रीव हुआ है, वो अपील फाइल कर सकता है। बात करें अगर रिवीजन की, तो रिवीजन में एग्रीव पर्सन भी जो है वो भी रिवीजन फाइल कर सकता है, और कोर्ट सो मोटो के तहत खुद भी कह सकती है कि भाई ले आओ इस केस को, मैं देखता हूँ। तो चूंकि रिवीजन को अगर आप कहें उर्दू में, तो ये बनता है निगरानी, कि जो अपर कोर्ट है वो एक किस्म की सुपरविजन भी कर रही होती है लोअर कोर्ट्स की। अगर वो समझती है कि फलां केस में ज्यूरिसडिक्शन को इलीगली इस्तेमाल किया गया, या एक्स्ट्रा वहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन लगा दी गई है, यहाँ जहाँ या जो काम उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है वो नहीं कर रहा, तो कोर्ट कहती है अभी ले आओ इधर, तो यहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन जो है वो भी रिवीजन फाइल कर सकता है, और कोर्ट सो मोटो भी रिवीजन कर सकती है। सेम यहाँ पे भी एग्रीव्ड पार्टी भी कर सकती है, और कोर्ट सो मोटो भी रिव्यू कर सकती है अपने ही डिसीजन को। अब आगे हम बात करते हैं सेकंड अपील की। तो सेकंड अपील, अपील में ऑब्वियसली अपील में सेकंड अपील जो है वो लाई करती है। लेकिन अगर आप बात करें रिवीजन की, तो वंस आपने रिवीजन ले लिया, उसके बाद उस रिवीजन के से जो फैसला आया उसको आप रिवीजन में नहीं लेके जा सकते। सेम रिव्यू की बात करें,
तो रिव्यू में भी वंस रिव्यू हैज़ बीन टेकन तो उसके बाद वो रिव्यू लास्ट हो जाएगा, जिस तरह के ये आजकल वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है तो रिव्यू लास्ट हो जाता है, तो ये रिव्यू भी लास्ट हो जाएगा। रिव्यू के बाद सेकंड रिव्यू नहीं ले सकते, रिवीजन के बाद सेकंड रिवीजन नहीं ले सकते, बट फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील और फिर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ये हो सकती है। तो आज जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि इन तीनों के दरमियान क्या क्या डिफरेंस हैं। अगर आप इन तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं अलग अलग, तो तीनों वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप उनको देख लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।